जयपुर सीरियल ब्रास को 13 मई को 15 साल पूरे होंगे। हम सब जानते हैं कि 13 मई 2008 को सारा जयपुर सीरियल ब्रास के कारण छलनी हुआ था। 71 लोग मारे गए, 185 लोग घायल हुए और उनमें से कुछ जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। उसके ऊपर मैंने नीचे के कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी की सजा दी और माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने सरकार की लचर पैरवी के कारण से 5 को रिहा किया। आज उस पूरे विषय को 15 साल हुआ और इस फैसले को भी, जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी 1 महीने से अधिक का समय हो चुका, इस 1 महीने के कालखंड में जहाँ पीड़ित पक्ष अपने विषय को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने SLP फाइल कर दी, राजस्थान की सरकार जिसके पास पूरी लीगल बैठी है, बड़े बड़े विधि विशेषज्ञ के साथ हैं, बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट जनरल का पूरा ऑफिस है, वो 1 महीने से अधिक का समय होने के बाद भी अभी तक SLP फाइल नहीं कर पाए, ये स्पष्ट रूप से राजस्थान सरकार की तुष्टिकरण की नीति को प्रकट करता है। इस सारे विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने 13 मई को इस पूरे मामले को लेकर के, जहां हम सबको श्रद्धांजलि, मृत उनको श्रद्धांजलि देंगे और प्रत्येक वार्ड में सरकार को जागृत करने और सरकार के धिक्कार के लिए प्रत्येक वार्ड में जयपुर के में हम धरने का कार्यक्रम करेंगे। 11 बजे से 12 बजे तक धरना रहेगा और उसके बाद किसी ना किसी मंदिर में, उस वार्ड में मंदिर में धरने का जो समापन होगा वो हनुमान चालीसा के साथ बजरंगबली का पाठ करके समापन करने का काम करेगा। हमें लगता है कि सरकार को इस प्रकार के सद्बुद्धि भी सबके माध्यम से आएगी और जो तुष्टिकरण का काम लगातार कर रही है उससे पीछा छुटाने का काम होगा। अभी तुष्टिकरण की नीति और केंद्र, ये जो बम ब्लास्ट का सारा विषय था उसमें जो दुर्दांत आतंकवादी थे उनको सरकार की सही तरह से पैरवी नहीं करने का कारण आज माननीय उच्च न्यायालय में उनको रिहा किया गया है। इस सारे विषय को और उसके साथ साथ सरकार की स्पष्ट रूप से ढिलाई के कारण से अभी 1 महीने से अधिक समय होने के बाद भी SLP सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं की, इस विषय को लेकर के धरने का था।